ये अध्यापक प्राथमिक विद्यालय साजाबारा में कार्यरत हैं, जो कि बिजली नदी के इस पार हैं। एक बार चेहरा देख लीजिए आप लोग, रोज कुछ नहीं होगा। आने जाने के लिए शिक्षक को यही रास्ता तय करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि आज नदी किस स्थान पर है, देख सकते हैं आप। कई बार शासन से अनुरोध किया गया इसके लिए कि यहाँ पर पुल बनवाया जाए, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ डेली आम नागरिक को, शिक्षक को और डॉक्टर्स को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई है। और मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि इन समस्याओं को, जो कि काफ़ी जटिल समस्या है, यहां के लगभग 50,000 नागरिक यहां रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, जो इस समय सोनभद्र मुख्यालय से कट गया है, एकदम अलग टापू हो गया है। यहां से लोग मार्केट जाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे पार करना पड़ता है, और इसे काला पानी बोला जाता है।